नमस्कार, बिफोर प्रिंट में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं और बात करते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की। मन की बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस समय लगभग 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव में मन की बात कितना असर करेगी ये भी जानना बहुत जरूरी है। और शायद इसीलिए मन की बात कार्यक्रम को पूरी तरह से लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया गया बीजेपी की कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा। एक क्लिप हम लोगों के पास में आई कानपुर से, तो कानपुर में एक केशव मधुबन वाटिका है, वहां पर जो बीजेपी के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं जैसे विजय पाठक जी हैं, उन्होंने एक आयोजन किया था जहां पर क्षेत्रीय लोग बैठकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात है उस कार्यक्रम को डिजिटली वहां पे सुनने का काम कर रहे थे और इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की कई बातें सुनी। आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से, देखिए ये लोग बैठे हुए हैं और सब बिल्कुल धैर्य से मन की बात सुन रहे हैं और इसका जो आयोजन किया जा रहा है इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि वो किस तरह से मन की बात में और जो ये अमृत महोत्सव है इसमें पार्टिसिपेशन किया उन्होंने और देश पूरा किस तरह से लगा अमृत महोत्सव में। आपको बता दें कि जो घोड़ा एक विराट घोड़ा था वहां पर भी उसकी भी चर्चा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्योंकि उसका रिटायरमेंट था, उसको टच किया था, राष्ट्रपति महोदय भी वहां पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री मौजूद थे, उस घोड़े के सर पर हाथ रख के टच किया गया था। इसके बाद में आसाम की बात की गई। आसाम इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वहां मणिपुर का भी चुनाव है, इसलिए आसाम की बात पे ज्यादा जोर दिया प्रधानमंत्री ने और वहां पर जो कारीगरी है, खासकर जो उनकी पारंपरिक कारीगरी है उसकी चर्चा की और किस तरह से लोगों में प्रभाव डालना है इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत माहिर इंसान है और शायद इसीलिए उन्होंने गेंडों की बात की। एक नया डिसीजन भी आसाम द्वारा लिया गया है कि गेंडों के संरक्षण को कैसे काम आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए गेंडे के जो गेंडों की हत्या होती थी उसमें भी चर्चा की गई। तो कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री की जो मन की बात है उस कार्यक्रम को बीजेपी ने राजनीतिक लाभ से किस तरह से आगे बढ़ाया ये देखना बहुत जरूरी है। अपने पोस्टकार्ड को तिरंगे से सजाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भावना ने क्रांतिकारी शिरीष कुमार के बारे में लिखा है। साथियों, मुझे गोवा से लॉरेंसियो परेरा का पोस्टकार्ड भी मिला है। ये क्लास 12 की स्टूडेंट है। इनके पत्र का भी विषय है आजादी के अनसंग हीरोज। मैं इसका हिंदी भावार्थ आपको बता रहा हूं। इन्होंने लिखा है, भिकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रही। आप देखते रहिए beforeprint.in।